हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फर्स्ट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके दो मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वह वीडियो जो देखा होगा उसके लिए ठीक है, लेकिन जो वीडियो नहीं देखा होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले उस वीडियो को देख के आइए। उसमें हमने डिस्कस किया था गुडविल क्या होते हैं और उस जो गुडविल का वैल्यूएशन होता है उससे रिलेटेड कितने मेथड होते हैं और उनमें कौन कौन से फार्मूले थे, पूरे फार्मूले को हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, देन आफ्टर ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड सिंपल प्रॉफिट मेथड, क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि द प्रॉफिट फॉर द फाइव ईयर ऑफ अ फर्म आर एज फॉलो, यानी एक फर्म का जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है ईयर 2013 4 लाख, ईयर 2014 3 लाख 98,000, ईयर 2015 4 लाख 50,000 एंड ईयर 2016 4 लाख 45,000 एंड ईयर 2016 5 लाख। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। कह रहा है कि 5 साल के एवरेज प्रॉफिट से आप बेस ऑफ 4 ईयर परचेज के लिए गुडविल निकालिए। तो सबसे पहले हमने फार्मूले में क्या बताया था कि आप सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो सबसे पहले आप टोटल प्रॉफिट निकालिए। तो टोटल प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले साल का दिया है 4 लाख, सभी प्रॉफिट को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 4 लाख, उसके बाद 3,98,000 प्लस 4,50,000 एंड 16 का दिया है 4,45,000 और लास्ट दिया है 5 लाख। यानी कि अगर ध्यान दीजिएगा, ये टोटल 5 ईयर का प्रॉफिट है। अगर इसमें कोई लॉस होता तो लॉस को हम इसमें माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें लॉस तो है नहीं, सिर्फ प्रॉफिट है, सभी प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए। तो सभी प्रॉफिट को हम अगर ऐड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 21,93,000। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, रख देंगे 21,93,000। अब देखिए नंबर ऑफ ईयर, तो ये कितने साल का है, तो 1, 2, 3, 4, 5 हम क्या कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4,38,600, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, एवरेज प्रॉफिट मिल गया। तो गुडविल के लिए हमने फार्मूला बताया था गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 4,38,600 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, तो 4 ईयर, 4 से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 17,54,400। ये आपका क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। समझ में आया। तो ये था आपका सिंपल एवरेज, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट को ऐड दीजिए, अगर लॉस दिया है तो उसको माइनस कर दीजिए और फिर यहाँ पर रख के नंबर ऑफ ईयर से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा। एवरेज के बाद आप फार्मूले में रख देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सिंपल गुडविल निकल जाएगा। तो ये सिंपल मेथड समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वाला वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि द प्रॉफिट ऑफ फर्म फॉर द 5 ईयर आर एज फॉलोज, 2012-13 20,000, 2013-14 24,000, 2014-15 30,000, 2015-16 25,000, 2016-17 18,000। यानी 5 ईयर का आपका प्रॉफिट दे रखा है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस ऑन वेट 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। यानी आपका वेट भी दे दिया है और आपका प्रॉफिट दे दिया है। कह रहा है कि आप गुडविल निकालिए 3 ईयर्स के परचेज के बेस पे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, हमें क्या करना है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो हमें चाहिए सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ध्यान दीजिए गुडविल का फार्मूला होता क्या है, गुडविल इक्वल टू होता है वेटेड एवरेज
प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये होता है फार्मूला। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको कुछ चाहिए क्या, वेटेड एवरेज ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट यही चाहिए। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट्स, ये होता है, यानी वेट्स का वो हम ऐड कर देते हैं। अब देखो ये प्रोडक्ट क्या होता है, तो प्रोडक्ट में जब निकाल के लाते हैं तो ये प्रोडक्ट होता है प्रॉफिट इनटू वेट, और यहाँ पे सबको क्या कर लेते हैं हम, जो प्रोडक्ट निकल के आता है सबको ऐड कर देते हैं, तो आपका प्रोडक्ट होता है। कैसे निकलेगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम निकालते हैं, देखिएगा, मान लेते हैं ये हमारा प्रॉफिट हो गया और ये हमारा वेट हो गया और यहाँ पे हमारा निकलेगा प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रॉफिट दिया है 20,000, उसके बाद 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000 वेट दिया है, 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या कर दीजिए, इन दोनों का प्रॉफिट इनटू वेट कर दीजिए, प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 48,000, ये हो जाएगा 90,000, ये हो जाएगा 1,00,000 और ये हो जाएगा 90,000। अब हम क्या कर लेंगे, टोटल प्रोडक्ट चाहिए हमको, तो टोटल प्रोडक्ट के लिए हम क्या क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड कर दीजिए, तो टोटल प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3,48,000, ये हो गया। अब आप क्या कर लीजिए, इसी को आप इसमें रख लीजिए, तो 3,48,000 अपान, अब देखिए तो सम ऑफ वेट, टोटल वेट को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर दीजिए, टोटल वेट को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये पूरे पूरे हो जाएंगे आपका 23,200 रुपीज़, ठीक है। अब क्या कर लीजिए, यहाँ पे सारा आ गया, अब ये रख दीजिए 23,200 फार्मूले में नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, तो देखिए कह रहा है थ्री ईयर्स, तो ये कितना हो जाएगा, 9, 3, 2, 6, तो ये हो जाएगा 69,600, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फार्मूले को लर्न करिए, फार्मूले के हिसाब से देखिए क्या क्या मांग रहा है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो टोटल प्रोडक्ट कहाँ से आता है, तो प्रॉफिट इनटू वेट से, तो प्रॉफिट इनटू वेट से हम निकाल लेंगे, टोटल प्रोडक्ट को आप ऐड करके यहाँ पर रख लीजिए और टोटल वेट को ऐड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा वेटेड, और वेटेड एवरेज में नंबर ऑफ ईयर परचेस मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुडविल आ जाएगा, समझ में आया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।